अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं इरम नाज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि मानसून की पहली बरसात मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, चुबुरजी के इलाकों में तेज बारिश। लोअरमाल, फिरोजपुर रोड, क्वींस रोड, करतबा चौक और शादमान में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मौसम के हवाल बताएंगे सामिया से, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं भी बाहर महसूस की जा रही हैं। आज दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आसमान पर ताहाल भी सुरमई बादलों का राज है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बाइस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो भी टूट चुका है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो शहर की अहम शहराएं जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। शहर की सड़कों पर जो है वो शदीद बारिश के बाइस 2 से 3 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो गया है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सुबह ऑफिस जाते हुए जो शहरी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शदीद परेशानी की हालत में नजर आ रहे हैं क्योंकि शहर की सड़कों पर ताहाल भी पानी जो है वो मौजूद है। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। शहरी जो हैं यहाँ पर शदीद जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बारिश का पानी खड़ा होने के बायस मोटरसाइकिल्स जो हैं वो भी बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। अब्र रहमत तो बरसा है मगर वो शहरियों के लिए अब्र जहमत बनकर रह गया है। वासा हुकाम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तर जो इंतजाम हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। पानी की निकासी आप का जो अमल है वो जल्द अज जल्द क्लियर किया जाएगा। तमाम पासेस को जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम ना हो। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो पीडीएमए की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, शदीद बारिश के बाइस जो है वो बिजली के खंभों से दूरी इख्तियार करें। बारिश की सूरत हाल का जो जायज़ा है वो कंट्रोल रूम में लिया जा रहा है तो सूरत हाल जो है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ताहाल बारिश बरसने से जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ है वहाँ पर शहरियों को जो है वो पानी खड़ा होने के बाइस शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। शुक्रिया सामिया। इस मुताबिक खबर ये भी है कि मानसून की पहली बारिश ने वासा के इंतजाम को पानी में डुबो दिया है। रेलवे स्टेशन इशान शादमान समेत मुतदी इलाके सैलाब आ गए हैं। गजाफे स्टेडियम और एतराफ़ के इलाके में बारिशी पानी जमा है। बर वक्त निकासी आब ना होने से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं जैन अली से जो इस वक्त गजाफे स्टेडियम में मौजूद हैं। जी जैन बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून का आगाज़ जो है वो हो चुका है। गुज़िश्ता रात शुरू होने वाली बारिश के बाद शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो भी चलने का सिलसिला जो है वो जारी है लेकिन अब्र रहमत जो है वो शहरियों के लिए जहमत जो है वो बन चुकी है। मानसून के बाद और तेज़ बारिश के बाद शहर लाहौर के कुछ इलाके और ख़ास तौर पर नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ में जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। जबकि शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश जो है वो करतबा चौक में जो है वो रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम में जहाँ पर 80 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई और 80 मिलीमीटर बारिश होने के बाद इस गज़ाफी स्टेडियम की सूरत हाल क्या है तो मेरा कैमरामैन फैसल खान आपको दिखा सके। शहरियों को जो आमदोरफ में परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जगह जगह रिक्शे, मोटरसाइकिलें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। कई कई फुट तक जो पानी है वो जमा हो चुका है। इसी किस्म की जो सूरत हाल है लाहौर के दूसरे नशेबी इलाकों में भी जो है वो कई कई फुट तक जो पानी है वो जमा हो चुका है। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा जो है वो किया गया था कि इस मरतबा मानसून में किसी किस्म का कहीं पर भी जो है वो पानी ख़ास तौर पर जो अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर खड़े होने का जो सीन है वो मंजर है वो नहीं मिलेगा लेकिन इस किस्म के जो दावे हैं वो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। ताहाल जो है वो लाहौर की अहम शाहराओं के साथ साथ नशेबी इलाकों में कई कई फुट तक जो पानी है वो जमा हो चुका हुआ है। जबकि इस मरतबा पीडीएमए की जानिब से पिछले साल की निस्बत इस साल 30% ज़्यादा मानसून की बारिशें बरसने का खतरात का इजहार जो है वो किया गया है। पीडीएमए की जानिब से जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड बरसने का जो है वो खदशे का इजहार किया गया।
जबकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में 25 से 35 मिलीमीटर बारिश बरसेगी, जबकि पीडीएमए की जानिब से जुलाई के तीसरे हफ्ते में 15 से 50% तक बारिश बरसने के जो इम्कान हैं वो जाहिर किए गए, जबकि सबसे ज़्यादा जुलाई के चौथे हफ्ते में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश है वो बरसने के इम्कान का जो इजहार है वो पीडीएमए की जानिब से जो है वो किया गया है। ये जो है वो आज सुबह सवेरे जो है वो रात गए बारिश बरसने का जो आगाज सिलसिला था उसका आगाज़ हुआ था, जिसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें नशेबी इलाकों के साथ साथ अहम शाहराएँ हैं वो उन पर जो है वो कई कई फुट तक पानी जो है वो जमा हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाल रोड पर वाकई एजुकेशनल कम्प्लेक्स में बारिशी पानी जमा, कई घंटों बाद भी निकासी आब ना होने से साइलिन को मुश्किल का सामना, डायरेक्टर कॉलेजेस के ऑफिस में आने वाले साइलिन परेशान। मजीद बताएंगे आतिफ परवेज जी। आतिफ जी बिल्कुल, बारिश को जो सिलसिला है रुके तो अब काफी वक्त हो चुका है, लेकिन निकासी आप का जो दावे किए गए थे वो तरह के तरह रह गए हैं। इस वक्त एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हाफ लोड पर जो है दफ्तर पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर जो मुलाजमीन है और जो साइलिन है उनको मुश्किल का सामना है। मुलाजमीन का कहना है की सुबह दफ्तर पहुँचते हुए जो है उनको मुश्किल हुई, उसके साथ साथ अब जो साइलिन यहाँ पर आ रहे हैं वो भी जो है अपने दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इतना पानी है कि दफ्तर में दाखिल होना जो है वो नामुमकिन हो चुका होता है। गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है जिसके जरिए दरवाजे पहुंचा जा रहा है। बाद सैलिन जो है वो एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए बगैर ही वापस चले गए, उनका कहना है कि इतना पानी है कि अंदर दरवाजे तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और उसके साथ साथ जो मुतलका महकमे हैं जो जिले इंतजामिया है। खबर ये है कि मुसलसल बारिश ने बादामी बाग सब्जी मंडी का हुलिया बेगाड़ कर रख दिया है। गंदा पानी जमा होने से तापुन फैलने लगा है और शहरी कीचड़ से भरी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, शहर की मरकजी सब्ज मंडी बादामी बाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से ये पूरी मंडी जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी, नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। मंडी में कई कई फिट जो है वो पानी भर चुका है। शहरी अहलियान लाहौर के घरों में जाने वाली सब्जियाँ जो हैं वो इसी सब्ज मंडी से होके जाती हैं, यानी कि यहाँ से ही खरीदी फ़रोख करके जो है सब्जियाँ जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केट्स में पहुँचाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ही हिफ्जान सेहत के असूलों को जो है उनको बिल्कुल मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते जी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर, ये बताइएगा। ये देखे भजन, ये पीछे आप पानी देख रहे हैं कितना पानी है, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, सारा कचरा सारा, ये सारा तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे की बारिश होने की, अभी तो शुरू स्टार्ट है, अब आगे 2 माह पड़े हुए हैं बारिशों के, अब ये हाल है तो तकरीबन 2 माह में बस 10 दिन बाद 4 दिन बारिशों, ये तो सारे जो मंडी वाले सारा कचरा गंद मिक्स होकर सारा बिकेगा। ये मिर्चें इन्होंने अभी बेच वहाँ से निकाली हैं लोगों ने, ये देखो पानी के साथ भरी हुई है सारी, नेरा गंद ही है, नेरा बीमारी नेरी फैलाई जा रही है, ना इनको फड़ियों को ये तकलीफ है ना, ये सब फड़ियों को तंग हो रहे हैं, जितने मेन यहाँ पे सफाई है ही नहीं, यहाँ पे तकरीबन मेरे अंदाज से तकरीबन डेली कोई सफाई करने आता, डेली यहाँ पे कोई सफाई करने आता ही नहीं है लगता है। जैसे बिल्कुल आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि यहाँ पे शहरी सब्जियाँ नहीं साथ बीमारियाँ भी घरों को ले जा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों और फलों की ये मरकजी सब्ज मंडी है, पूरे लाहौर की दिगर मंडियों और बाज़ारों में यहीं से सब्जियाँ और फल जो हैं सप्लाई की जाती है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि नशेबी होने की वजह से इर्द गिर्द के इलाके की भी जो बारिशी पानी है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। बारिशी पानी जमा हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। आगे बढ़े और आपको बताएँ कि मानसून की पहली बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील, रेलवे स्टेशन गड़ेशाहू भाटी गेट के इलाके में पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे सामिया से। जी सामिया जी बिल्कुल, मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है 1 जुलाई से, जैसे कि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा था, शहर लाहौर में मानसून का आगाज़ हो गया, सुबह सवेरे से ही बारिश जो है खूब बरसी है, घंटों के हिसाब से बरसी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें दिल्ली गेट आता है, रेलवे स्टेशन आता है, भाटी गेट आता है, आज़ादी चौक आता है और इस तरह दीगर इलाकों में बारिश खूब बरसी है, जिसके बाइस जो है यहाँ पर इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पानी खड़ा हो गया और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इतना पानी खड़े होने की वजह से उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा, यहाँ पे पानी खड़ा है, क्या मुश्किलात का सामना है? अक्सर ये इधर ये गटरों का पानी इधर खड़ा ही रहता है, ये वांसोलों का काम नहीं, ये तो उन्होंने काम करना है ना,
ये बारिश हो या ना हो ये फिर भी इधर पानी खड़ा ही रहता है इधर। ये तो आज बारिश हुई है ना, बारिश के कारण इधर ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। नहीं तो अक्सर आप इधर आके देख लेंगे ना तो ये गटरों का पानी इधर बाहर निकलता ही होता है रोजाना ही। जी बिल्कुल, बारिश के अलावा भी यहाँ पे पानी जमा रहता है जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना। जी बताइएगा, मानसून का सीज़न शुरू हो गया है। ये है ना, ये हुकूमत है ना, ये किसी खाते की नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये देख रहे हैं आप, वो मान से देखें वो सारे गटर बंद हुए हैं। ये गटरों की वजह से ये सारा यानी कि निज़ाम आएगा सारा, यानी कि ये हुकूमत किसी काम। जी बिल्कुल, शहरियों की यही शिकायत है कि अब तो बारिश का बकायदा सीज़न शुरू हो गया लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है। जी बताइएगा, मानसून शुरू हो गया है, यहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल रहती है? इधर पानी ऐसे खड़ा रहता है, वो तनबरे पर ना पानी खड़ा था तो वो ना निकाल दिया उन्होंने। इधर यही हाल है, महीना हो गया यही हाल है, इधर बारिश अभी शुरू हुई है ना, इधर यही हाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरियों की शिकायत है वो यही है कि यहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है। जी बताएं, मानसून का आगाज हो गया है, पानी जगह जगह खड़ा है, क्या कहते हैं? कहना यही कि अभी से कोई इंतजाम कर ले, बाद में हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, अभी से ये हाल है। और ये आगे दिन से ज़्यादा होगी बारिश, अभी मतलब स्टार्ट है तो ये हाल है, अगर बाद में इससे ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा तंगी होगी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि अभी बारिशों का जो है सिर्फ स्टार्ट है, अभी एक ही बारिश बरसी है और रेलवे स्टेशन जो है वो डूब चुका है। तो आइंदा मानसून का सीज़न क्योंकि इसी तरह चलता रहेगा तो क्या हाल होगा, शहरियों को जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली गेट, गढ़ी शाह, भाटी चौक, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों का जो है वो यही हाल है और मुतलका इदारों की जानिब से गफलत बढ़ती जा रही है। जी आपका शुक्रिया सामिया।